आज मैं इस चैनल के माध्यम से 26 जनवरी को सभी पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मेरा परिचय जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। और साथियों, स्वतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस में एक बेसिक अंतर होता है जिसको बहुत कम लोग ठीक से समझ पाते हैं हमारे देश में। इसलिए मैं ये इसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। स्वतंत्र दिवस का मतलब और स्वतंत्रता में गणतंत्रता में जो बेसिक अंतर होता है वो ये है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी दूसरे भारी ताकत से स्वतंत्र हो जाना। भारी देश से भी हमारी स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्र रहें, ये स्वतंत्रता होती है। एक गणतंत्रता होती है कि इंटरनली जो जो आपकी इंटरनली जो पावर्स हैं उनसे भी स्वतंत्र हो जाना। स्वतंत्रता का मतलब होता है एक्सटर्नल पावर्स से अपने आप को फ्री कर लेना। और गणतंत्रता का मतलब होता है कि अपनी जो इंटरनल पावर है उनसे भी अपने आप को फ्री कर लेना। तो इसलिए ये जो 26 जनवरी का जो दिन आने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इसमें हम लोग इंटरनल जो पावर्स थी, जैसे पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उसको हमने बायकाट किया, उसको हमने बाहर भगाया 15 अगस्त को। और लेकिन जो 26 जनवरी को हम जो इंटरनल जो पावर्स थी उनसे भी हमारी आधीनता समाप्त हुई, भारत का संविधान हमको मिला। और उसमें आप लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 1940 को हमारा अडॉप्ट किया गया था भारत का संविधान, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये 2 महीने का अंतर क्यों रखा गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। कुछ लोग उसको जानते हैं, कुछ बाकी नहीं जानते हैं। ये 2 महीने का अंतर इसलिए रखा गया था जिससे कि पहले जो कानून चल रहे थे भारत देश के संविधान से पहले, इस देश में जो कानून चल रहे थे, जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उसके हिसाब से ये जो एट्रोसिटी जो थी SC ST OBC के ऊपर, ये इस पे उनको वैधता एक तरीके से मिली हुई थी व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन भारत का संविधान इन सब पे रोक लगाता था। इसलिए 2 महीने का जो टाइम था ये जनता के लिए एक इंटीमेशन था कि आप लोग सचेत हो जाइए, आज के बाद ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। तो 2 महीने का गैप का मतलब होता है जनता को बताना कि 2 महीने के बाद ये कानून इस प्रकार से लागू होने वाले हैं। जैसे पहले एक अमुक समाज को कुएं पे चढ़ के पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1950 जो 26 जनवरी आया था उस दिन से अगर कोई सार्वजनिक कुएं पे किसी साथी को कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने देगा तो उसको क्राइम माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा। इसलिए ये 2 महीने जो समय था ये उसको समझाने का एक समय था।